हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। शॉपिंग करने कनॉट प्लेस पहुंची कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने पार्किंग शुल्क देने से किया इनकार, बोली मंत्री हूं देख लूंगी। मोदी सरकार में मंत्री स्मृति ईरानी वीआईपी कल्चर को बढ़ावा देती हुई नजर आ रही हैं। ताजा मामला दिल्ली के राजीव चौक का है, जहां कपड़ा मंत्री स्मृति ने अपनी कार पार्किंग करने पर स्टैंड का पैसा देने से इनकार कर दिया। इस बात को लेकर पार्किंग स्टाफ से बहस भी हुई और आखिर में ईरानी बिना स्टैंड का शुल्क दिए ही चली गई। इस मामले पर कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने स्मृति ईरानी पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा, मंत्री जी ने पार्किंग के 20 रुपए देने से मना कर दिया और पार्किंग स्टाफ को ये कहने लगी, मंत्री हूँ देख लूंगी, यही वीवीआईपी कल्चर खत्म। बता दें कि दिल्ली राजीव चौक में पार्किंग को लेकर हुई बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि मोदी सरकार में मंत्री स्मृति ईरानी जब शॉपिंग करने के लिए राजीव चौक गई, तब उनके साथ मौजूद उनके सचिव ने पार्किंग के पैसे देने से इनकार कर दिया और पार्किंग स्टाफ को धमकी भी दी। खुलासा, मेहुल चौकसी को मिला एंटीगुआ का पासपोर्ट। अप्रैल में ही वहां के प्रधानमंत्री से मिले थे पीएम मोदी। मोदी सरकार लगातार एक के बाद एक विवाद में घिरती नजर आ रही है। बैंक घोटाला आरोपी नीरव मोदी और मेहुल चौकसी को देश से भागने के आरोप के बाद अब सरकार पर मेहुल को कैरिबियाई देश एंटीगुआ का पासपोर्ट दिलाने का आरोप भी लग गया। दरअसल तमाम कोशिशों के बाद भी मोदी सरकार नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के खिलाफ कुछ ठोस नहीं कर पाई। अब हीरा कारोबारी मेहुल को एंटीगुआ का पासपोर्ट मिल गया है। आरोप है कि इसमें मोदी सरकार का हाथ है, क्योंकि अभी तक सीबीआई और ईडी इंटरपोल के जरिए मेहुल के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी नहीं करा पाई। और सबसे बड़ी बात, इसी साल अप्रैल में ही प्रधानमंत्री मोदी एंटीगुआ के प्रधानमंत्री ग्रेस्टन ब्राउने से मिले थे। बता दें कि पीएनबी बैंक में 14,356 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया। इस घोटाले में आरोपी हीरा कारोबारी नीरव मोदी और उनके मामा मेहुल चौकसी हैं। घोटाला सामने आने से पहले ही ये दोनों पूरे परिवार के साथ इसी साल जनवरी में देश छोड़कर भागने में कामयाब हो गए। नीरव मोदी देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के रिश्तेदार हैं। मुकेश अंबानी को मोदी सरकार का करीबी माना जाता है। स्विट्जरलैंड के दावोस शहर में हुए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में नीरव मोदी को भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ देखा गया था। इसके अलावा मेहुल पर 5,280 करोड़ रुपए के एक और बैंक घोटाले का आरोप भी है। सीबीआई आईसीआईआई बैंक के नेतृत्व में 31 बैंकों के एक कंसोर्टियम में मेहुल चौकसी और उनकी कंपनियों द्वारा 5,280 करोड़ रुपए के एक और लोन की जांच की जा रही है। ये मामला पंजाब नेशनल बैंक घोटाले से अलग हटकर है। आरटीआई से खुलासा, 2019 के लिए नहीं मिल सकेंगी वीवीपैट मशीनें। आप नेता बोले, पुरानी मशीन से विकास के पापा को ही वोट जाएगा। सूचना के अधिकार आरटीआई के जरिए इस बात का खुलासा हुआ कि 2019 में होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए वीवीपैट समय पर उपलब्ध नहीं हो सकेगा। ऐसे में या तो चुनावों को आगे बढ़ाया जा सकता है या फिर पुराने वीवीपैट से चुनाव कराए जा सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक चुनाव आयोग ने वीवीपैट बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट के लिए दो कंपनियों को पिछले साल सितंबर में ऑर्डर दिए थे, जिनकी डिलीवरी इसी साल सितंबर तक होनी थी, लेकिन ये कंपनियां इस लक्ष्य को पाने में नाकाम रही। 19 जून तक तय लक्ष्य का सिर्फ 22% ही पूरा हो पाया। ऐसे में वीवीपैट डिलीवरी में देरी होना तय है। वहीं इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जब सही समय पर वीवीपैट डिलीवर नहीं होंगे तो ऐसे में पुरानी मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसका फायदा बीजेपी को ही मिलेगा। उन्होंने ट्विटर के जरिए कहा, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में 14 महीने पहले शपथ पत्र दिया, सितंबर 2018 तक 16.15 लाख वीवीपैट आ जाएंगे। अब तक 3.48 लाख, मात्र 22% वीवीपैट आए। भाइयों बहनों, पुरानी मशीनें रहेंगी, कोई भी बटन दबाना वोट विकास के पापा को ही जाएगा। बता दें कि 24 अप्रैल 2017 को चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि वो BEL और ECIL के जरिए सितंबर 2018 तक 16.15 लाख वीवीपैट डिलीवर करेगा,
लेकिन 19 जून तक तय लक्ष्य का सिर्फ 3.48 लाख यानी 22% ही वीवीपैट डिलीवर किया गया है। बीजेपी के झूठे वादों की वजह से आज महाराष्ट्र सुलग रहा है। किसान और युवा सड़कों पर हैं अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र में जारी मराठा समाज के प्रदर्शन को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के झूठे वादों की वजह से महाराष्ट्र सुलग रहा है, किसान आंदोलन कर रहे हैं और युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने ट्विटर के जरिए कहा कि महाराष्ट्र में आरक्षण की मांग को लेकर मराठा सड़कों पर है और पूरा महाराष्ट्र सरकार की नज़रअंदाजी की वजह से सुलग रहा है। इसके साथ ही उन्होंने किसानों की समस्या को उठाते हुए कहा कि सत्ता में आने से पहले बीजेपी ने किसानों के कर्ज माफ करने का वादा किया, लेकिन सरकार ने सत्ता में आने के बाद अपना वादा पूरा नहीं किया, जिससे नाराज किसान आंदोलन कर रहे हैं। अखिलेश ने रोजगार के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा कि सत्ता में आने से पहले बीजेपी ने युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन बीजेपी की सरकार बनने के बाद युवाओं को रोजगार नहीं मिला। इसका नतीजा आज युवा अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सपा प्रमुख ने आरक्षण के मुद्दे को हल करने के लिए सलाह देते हुए कहा, इससे अच्छा तो आधार से जाति को जोड़कर आंकड़े निकाले जाएं और सबको आबादी के हिसाब से समान हक दे दिया जाए। बता दें कि महाराष्ट्र में मराठा समाज के लोग फडणवीस सरकार से आरक्षण की मांग को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में एक मौत भी हो चुकी है। प्रदर्शनकारी की मौत के बाद महाराष्ट्र में बंद का ऐलान किया गया है। बंद का सबसे ज्यादा असर मराठवाड़ इलाके में दिख रहा है, जहां स्कूल और कॉलेज बंद है। औरंगाबाद में इंटरनेट सेवाएं रोक दी गई, कई मार्ग बंद कर दिए गए। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में 33% मराठा है। राज्य में सबसे ज्यादा किसान मराठा ही है जो सूखे और कर्ज की मार से जूझ रहे हैं। महाराष्ट्र में किसान लगातार आत्महत्याएं कर रहे हैं, युवा बेरोजगारी की समस्या का सामना कर रहे हैं। यहां प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ओबीसी को बहुत कुछ मिल चुका है, दलितों को मिल चुका है, इसलिए अब मराठों की बारी है। पीएम मोदी की युगांडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस, पत्रकार बोले देश में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, विदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी 3 अफ्रीकी देशों के दौरे पर निकले हैं। सोमवार को नरेंद्र मोदी रवांडा पहुंचे थे। इस दौरान दोनों देशों के बीच 8 अहम फैसले और समझौते हुए। मंगलवार को पीएम मोदी युगांडा पहुंच गए। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने प्रेस वार्ता भी की। युगांडा में पीएम मोदी के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से भारत में हंगामा मच गया। वरिष्ठ पत्रकार विनोद कापड़ी ने ट्वीट किया है कि युगांडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन भारत में नहीं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल को 50 महीने यानी 4 साल 2 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने अब तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। तमाम तरह के रिकॉर्ड बनाने का दावा करने वाले मोदी ने ये भी एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। नरेंद्र मोदी लोकतांत्रिक भारत के इतिहास में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस न करने वाले पहले प्रधानमंत्री का दर्जा हासिल कर चुके हैं। बड़ी बड़ी बातें करने वाले पीएम मोदी सवालों से इतना डरते क्यों हैं? क्या 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री में पत्रकारों के सवालों का सामना करने का साहस नहीं है? द न्यूज रूम की रिपोर्ट। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप अपना कुछ फीडबैक या सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखकर दे सकते हैं।
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल माइंड द न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आपको हमारे नए वीडियोस के बारे में सबसे पहले पता चल सके। तो देश दुनिया की सनसनीखेज और मजेदार खबरों के लिए देखते रहे माइंड द न्यूज। नमस्कार।